छपरा नीलिमा बसु फुटबॉल मैच का आज छपरा एसपी संतोष कुमार एवं पूर्व मंत्री उदित राय एवं संयोजक सत्यप्रकाश यादव के द्वारा किया गया विधिवत उद्घाटन। 6 मार्च से 3 अप्रैल तक खेले जाएंगे यह मैच। सारण जिले की फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित व पुरानी प्रतियोगिता नीलिमा बसु फुटबॉल लीग प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता 6 मार्च से शुरू होगी तथा 3 अप्रैल तक लीग का ग्रुप स्तर का मुकाबला खेला जाएगा। सारण जिला फुटबॉल संघ के सत्यप्रकाश यादव ने उपरोक्त जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के कारण बीते साल 2020 में प्रतियोगिता आयोजन नहीं हो पाया था। हालांकि इस बार सारण जिला फुटबॉल संघ के महासचिव सह पूर्व मंत्री उदित राय के निर्देशानुसार पुनः नीलिमा बसु फुटबॉल लीग 2021-22 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति का गठन भी कर लिया गया है। आयोजन समिति का संयोजक सत्यप्रकाश को तथा अध्यक्ष नवीन्द्र भूषण कार्यालय सचिव प्रेम प्रकाश यादव को बनाया गया है। उधर पूरे लीग में रेफरी व अपायरिंग के लिए भी पैनल बना लिया गया है। इसमें रामप्रीत रावत, विभूति नारायण शर्मा, सुरेश कुमार सिंह, जफरुल्ला खां, उमेश कुमार, राजन यादव, शंभू यादव, अमितांशु मिश्रा, प्रेम प्रकाश, प्रदीप कुमार को शामिल किया गया है। लीग प्रतियोगिता में जिले की 16 टीम लेंगी हिस्सा। रविवार 6 मार्च से शुरू हो रहे नीलिमा बसु फुटबॉल लीग में जिले भर के कुल 16 टीम चैंपियन का खिताब अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेगी। आयोजन समिति द्वारा सभी 16 टीम को कुल 4 ग्रुप ए, बी, सी एवं डी ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में 4 टीम को रखा गया है।
खेल विरासत का हिस्सा है, उसको पुनः आयोजित करने के लिए सबसे पहले मैं फुटबॉल संघ का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। आज इस प्रतियोगिता के मुकाबले में उसके साक्षी बने मंच पर आसीन माननीय पूर्व मंत्री उदित राय जी। ये आयोजन जो है नीलिमा बसु फुटबॉल प्रतियोगिता जो लगातार 1956 से चलता आया, बीच में दो साल कोरोना की वजह से रुक गया था, इसका आज विधिवत उद्घाटन आईपीएस पुलिस अधीक्षक सारण के संतोष कुमार जी ने किया। और ये मैच जो है दुर्गा स्पोर्टिंग क्लब जलालपुर और संत सुखदेव क्लब छपरा के बीच खेला जा रहा है। आज से आगाज हुआ कोरोना के दंश के बाद, आज खेल प्रेमी बहुत संख्या में मैदान में आए, जिन्हें बहुत दिनों से इंतजार था, खेल से लगाव था, खिलाड़ियों को भी मैदान से लगाव था जो नहीं आते थे। तो फुटबॉल सारण जिला फुटबॉल संघ इसका आयोजक होता है। एक पूर्व के जिलाधिकारी जो 1952-53 के समय में थे, जिन्होंने इस मैदान को दिया जिसका नाम आज राजेंद्र स्टेडियम है, इसके पहले इसका नाम कलेक्टर कंपाउंड हुआ करता था, उसी बीएन बसु आईएएस के पत्नी के नाम पे ये प्रतियोगिता कराई जाती है। इस प्रतियोगिता से जो भी खिलाड़ी चुने जाते हैं उस सारण जिला को पार्टिसिपेट करते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, इसलिए इस लीग का भी बड़ा महत्व है। इसमें से खिलाड़ी चुने जाते हैं और 15 सदस्यीय टीम जो है वो राज्य को का प्रतिनिधित्व करता है। ये कब से कब तक चलेगा? ये आज 6 मार्च से शुरुआत इसका हुआ और 4 अप्रैल तक चलेगा लगातार। 1956 से बीएन बसु डीएम के पत्नी के नाम से यहाँ के खेल कूद में अभिरुचि रखने वाले लोगों ने स्टार्ट किया। अभी तक हम लोग बिना सरकार के किसी तरह के मदद के इसको चला रहे हैं। लगातार कितने वर्षों से हो रहा है ये? 1956 से, 1956 से चल रहा है। लगभग सैकड़ों वर्ष, 65 वर्ष। ये 2 वर्ष बंद था कोरोना को लेकर, कोरोना की वजह से। इस साल के बाद से फिर इसमें अभिरुचि रखने वाले जितने संघ के लोग हैं सबों ने तय किया कि नहीं आज से स्टार्ट किया जाए। ये स्टार्ट कर दिया गया है तो इसके माध्यम से हमारे जो खिलाड़ी जिला से निकलेंगे उसमें हम लोग स्कैन कर लेंगे और इसको स्टेट में भेजेंगे। स्टेट में अगर आगे बढ़ गया तो केंद्र में जाएगा, तो ये हम लोगों का सोच है कि तो सिलेक्शन भी होता है यहाँ। हाँ, सिलेक्शन होगा।